हैप्पी बर्थडे। अरे पागल वागल हो गई क्या? अबे डूडो वो पुराने चश्मा अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। ये खुशी का ज्यादा हो रहा है, गुस्से वाला ज्यादा हो रहा है। अब ये गुस्से वाला हो रहा है। अब मेरे को सच बता रहा, अब मेरे को अंदर से ऐसा फील हो रहा है बैग चेक कर लेने चाहिए। तो अभी ज्यादा कुछ नहीं है, दो और। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज पहला दिन है, हमारा दूसरा दिन है यहाँ पर देहरादून में। और हम लोग उठ गए हैं, इतने लेट उठे हैं कल रात। जो इनके फ्रेंड है, उनके दो भाई जिसका मतलब तबीयत खराब थी वहाँ के, इससे आते आते लेट हो गई और फिर इतने थक गए थे सो गए सुबह। तुम्हें नेहा थी हेमंत बता रही और सुबह लेट उठे इस चक्कर में। अभी हम लोग मसूरी नहीं निकले हैं, तो मैं आज बना रही हूँ अब नेहा, क्योंकि बैचलर है तो बैचलर के वहाँ तो क्या ही सामान मिलेगा। तो अभी तो खुलेगा भी नहीं है, थोड़ा बहुत मतलब सब्जी थी इसके पास बची हुई, बीन्स आलू की, वो बना रही थी। लेकिन पता चला कि तेल ही नहीं है, मसाले ही नहीं, फिर ऐसे ही पानी डाल के उसके बस खाली पकाने को रखा हुआ है। तो सुबह बना रही हूँ मैं आज आलू बीन्स की सब्जी और साथ में रोटी। और साथ में आपको एक चीज़ और बतानी थी कि हेमंत नीचे क्या हुआ है अभी ना, वो क्या कर रहा है, अपनी गाड़ी साफ़ करने में लगा। जैसा आप लोगों को पता है उसको पूरा एक वो है बीमारी गाड़ी साफ़ करने की। तो कल रात मैंने उसको एक जो उसका गिफ्ट है वो दे दिए, मैंने उसके 7-8 गिफ्ट मंगाए हुए हैं। तो उसमें जो उसे पसंद आएगा वो रख लेगा, जो नहीं आएगा रिटर्न कर देगा। अभी मैं उसको उसका देने आ रही हूँ उसका तीसरा गिफ्ट। जैसा कि आपको पता है कि पहला जो गिफ्ट था वो था ये जैकेट, उसके बाद दूसरा जो है वो कल रात दिया है, तीसरा मैं अभी देने आ रही हूँ। तो मैं कह रही हूँ यहाँ पर रख देती हूँ बेड में, अभी आएगा तो पक्का देखेगा कहेगा क्या है इसमें। तो फिर मैं तब कैमरा खोल के इसका रिएक्शन जो है वो आप लोगों को दिखाऊंगी। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, अरे हैप्पी बर्थडे, अरे हैप्पी बर्थडे, अरे फिर से कुछ है क्या? कुछ है यार, और पागल वागल हो गई है क्या? तू सीरियसली पागल हो गई है? ये इतनी शर्ट पैंट जबरो, इतनी शर्ट पैंट जो खरीदते नहीं हो तुम, वही शर्ट पैंट ये सब हैं। कितने और हैं अभी और बता। अब नहीं है, अब नहीं है, हो गया, हो गया। दे दे। नहीं नहीं हो गया, क्यों बाद में नहीं सकते क्या? गर्मी बहुत है यार। गर्मी है, कैसी लग रही है तो बताओ यार, इतनी मेहनत से। अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है, मस्त लग रही है। पहन के कब दिखाओगे? पहन के शर्ट भी जीन्स भी पहन लो, रात को पहनना। रात को पहन लूंगा, जीन्स अभी फिट नहीं आएगी। उसको फोल्ड करके पहन सकते, अच्छी लगेगी, ट्राई कर लूंगा। ठीक है, हम लोग निकल गए हैं गाइस अपनी जो कजिन है उसके घर से। बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि गाड़ी लेके जाएं या स्कूटी लेके जाएं, क्योंकि जो हेमंत ने गेस्ट हाउस किया हुआ है वो बहुत दूर दिखा रहा है, जो प्रॉपर मसूरी वहाँ के मॉल रोड से। और जाम बहुत ज्यादा है इसमें, तो हमें लगता है कि हमें बहुत टाइम लगेगा। अभी 10:30 बजे हम लेट भी हो गए थोड़ा सा। से मसूरी अभी 2 घंटा कुछ मिनट दिखा रहा है, क्योंकि पहाड़ों पे पूरा रेड हो रखा है, पूरा रेड हो रखा है। और नया लोग आना नहीं आना, आना नहीं आना, इस चक्कर में बहुत लेट हो गए। चले कुछ फिक्स ही नहीं था हम लोगों का, अभी फिक्स नहीं है कि वो लोग बाद में आएंगे या नहीं आएंगे। तो हमने कहा हम तो चलते हैं कम से कम, क्योंकि ये लोग तो लोकल, इन्होंने देखा हुआ है हमारा बार-बार आना हो नहीं पाता है। तो लास्ट में हमने कहा यार चलो गाड़ी ले चलते हैं, क्योंकि स्कूटी पे अगर हम रेंट पर ले रहे ना तो उसको फिर या तो 2 दिन के लिए या फिर रात को वापिस आओ, और अगर रात को अगर वापिस ही आना होता तो गेस्ट हाउस क्यों किया वहाँ पे भाई। मैं यही सोच रही हूँ, मुझे पता होता ना कि ऐसा सीन है यहाँ पर, तो हम लोग वहाँ गेस्ट हाउस नहीं करते, सीधे यहाँ झोला पकड़ के आते मसूरी, रात को वापिस आते। बट कोई नहीं, घूमने आए तो मैं तो पूरा करेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे मसूरी। फिलहाल तो हम लोग निकल गए हैं यहाँ से, अब देखते हैं क्या होता है आगे, जाम कितना मिलता है। फाइनली गाइस 3 या 4 घंटे में हम लोग पहुंचे हैं मसूरी, जो कि आधे घंटे का रास्ता था। इतनी चढ़ाई मतलब मैंने लाइफ में कभी, हमें नैनीताल गए इतने बारी, नैनीताल में भी ऐसी चढ़ाई, मैं चढ़ाई तो चलो कोई बात नहीं, इतनी सकरी रोड थी, जगह जगह फंस गए हम लोग। और ये पापा का गेस्ट हाउस है प्रसार भारती का, वहाँ हमने आज का स्टे किया हुआ है, मतलब बैक साइड है, अभी फ्रंट साइड पर हम गए नहीं है। इतना नैरो रोड, हद पार भाई साहब, ऐसी रोड, और गाड़ी में से इतनी स्मेल आ रही है इंजन ऑयल जलने की। दूसरी की थी पक्का? अच्छा, थैंक गॉड, वरना मेरे को तो टेंशन हो गई थी, इतनी स्मेल आ गई गाड़ी की, इंजन ऑयल जल रही की।
लेकिन मैंने एक कसम खा रखी है, हेमंत तो कह रहा था कि स्कूटी बुक कर लेते हैं, मैंने ही बोला कि इतने सामान ज़्यादा है चलते हैं, लेकिन लिटरली बताऊँ आप लोग अगर आ रहे हो ना मसूरी गाड़ी से मत आना, बस बहुत ही बुरे हाल हैं, बहुत बुरे, कितने जगह पर तो गाड़ी हमारी बाइक वाले को लग गई, एक मांटी को लग गई, तो हल्की सी वो हो गई थी ना, तो हो गई, तो कह रही हूँ कि मतलब आप लोग मत आना स्कूटी लेकर आना, अगर आप लोग आओगे तो स्कूटी इज मतलब काफ़ी सही कन्वीनियंट रहेगा आप लोगों को। चलो पहले करते हैं, पहले हम लोग अपना जरा अंदर करते हैं, जाते हैं जरा। ये हमारे रूम के बाहर एक काउच एरिया दे रखा है बैठने के लिए, चाय पीने के लिए, और ये हमारा सामान है साल भर का, ये देखो पैकिंग देखो कितनी करके ला रखी है, एक बैग, दो बैग, तीन बैग, चार बैग, जूते चप्पल लाइन लगी हुई है, आधे बूट मेरी गाड़ी में पड़े हैं इसके, रूम गाड़ी आ रही, काफी अच्छा है ना, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा है, मतलब सरकारी के हिसाब से नीट एंड क्लीन है, एकदम नीट एंड क्लीन है, सबसे अच्छा जो है वो है ये एरिया। वैसे आजकल सरकार ने बड़ा अच्छा कर दिया है, मतलब पहले के टाइम पे बड़े टीवी होते थे, मैं जिस भी गेस्ट हाउस में आई सब बिल्कुल प्रॉपर टीवी, अच्छा टीवी रखा हुआ है, कितना सुंदर है ना एकदम, यहाँ से मसूरी दिख रहा है, मसूरी देहरादून सब दिख रहा है, देहरादून भी दिख रहा है ना, हाँ अच्छा मसूरी इतने सामने पेड़ लगे, शायद यहाँ से दिखाई ना, अभी आपको एक चीज और दिखाती हूँ, शायद हेमंत को भी नहीं पता क्या चीज, पर हमको एक बेडशीट लेकर आनी चाहिए थी अपनी, हमने गलती करी, ओ बालकनी, एक दिन की बालकनी हमारी, एक दिन की बालकनी, वाह क्या व्यू है ना, सही गजब गजब है ना, गजब, अपनी बहन से बात कर रहा है, अभी अंदर आता तो उसको मैं उसका दूसरा गिफ्ट, तीसरा चौथा गिफ्ट देती हूँ, सॉरी आने दो एक मिनट, अच्छा फोन काटने आ रहा, एक मिनट है काट दो, एक मिनट है, एक मिनट काट दो, आओ क्या, आओ यार मानसी, रख दिया ढूंढो, ढूंढा दोबारा कहाँ है, ढूंढो वो पुराने खुशी ही नहीं है इंसान के अंदर, गिफ्ट में गिफ्ट दिए जा रही हूँ, एक गो वाली शर्ट नहीं है वो, क्या है, नेहरू जैकेट, तुम पे बहुत अच्छी लगती है ना, अभी दिवाली आ रही है दिवाली के लिए, अच्छा कुर्ते में पहनने के लिए, कैसी लगी, सही है, बढ़िया, खुश तो हो जाओ, मस्त है, बढ़िया, स्माइल नहीं आई, मस्त है एकदम, ये कौन सा गिफ्ट है, कौन से नंबर का है, तो बताया नहीं तुमने, फर्स्ट जैकेट, हाँ, सेकंड जीन्स, हाँ, थर्ड शर्ट, हाँ, ये चौथा बास्केट, चलो हो गया तुम्हारा, ठीक है, अभी और कुछ भी, अब मैं बैग चेक करता हूं, अब मैं पहले, अरे नहीं है कुछ भी, देख लो बैग चेक कर लो, मैं पहले बैग चेक कर लो, ये अटैची में तेरे कपड़े नहीं, मेरे को तो लगा कर लो, भरे हुए इसमें, नहीं नहीं मैं तो तब से ये सोच रहा था तू तो अपने कपड़े भर भर के ला रखे, इसमें से तो सब एक एक हर दो दो घंटे में कुछ निकल रहा है, हेमंत ये देखो, हेमंत ये देखो, अपना नीचे गाड़ी की पार्किंग में अपनी गाड़ी से कुछ सामान लाने के लिए, और मैं दे रही हूँ उसको उसका पांचवा गिफ्ट, मुझे पता है कि आप सोच रहे क्या ही करिए, पर मेरे को ऐसा कुछ करना था कि उसको बार बार सरप्राइज देना था, तो अभी उसको बिल्कुल आइडिया नहीं कि हमें क्या करना है, उसको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और अब कोई गिफ्ट वगैरह नहीं देना है, तो अभी आ रहा है वो नीचे से, तो मैं दिखाती हूँ उसका फिर से रिएक्शन, एक और हो गया काम तुम्हारा, अच्छा कह रहे हैं गाड़ी लेके तो गलती से भी मत चले आना नीचे मॉल रोड, कह रहे हैं इतना जाम है, 5-6 बजे तक पहुंचना तो छोड़ो, आप आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंच पाओगे, मॉल रोड तक तो पहुंचना गुनाह है, कह रहे हैं, अच्छा। कह रहे गाड़ी लेके मत जाना, पैदल चले जाओ, 1 घंटे में पहुंच जाओगे, अच्छा अच्छा तुम देखो फिर, मानसी आप सच में आप ही बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ये खुशी का ज्यादा हो रहा है, गुस्से वाला ज्यादा हो रहा है, अभी गुस्से वाला हो रहा है, अरे फालतू बात मत करो, देखो ठीक है ना, ये तो कोई तरह तुम्हारे कुछ कर रहा है, हे भगवान, दिवाली गिफ्ट, दिवाली गिफ्ट, गाइस अब मेरे को सच बता रहा, अब मेरे को अंदर से ऐसा फील हो रहा है बैग चेक कर लेने चाहिए, कुछ नहीं है अब लो कैसा है, बहुत मस्त है, एक और है क्या वैसे दो दो कुर्ते, मानसी तो पागल वागल हो गई है क्या सच बता तू पुत्र, अच्छा लग रहा है ना, चीजें अच्छी लग रही हैं, हाँ या ना, मस्त लग रहा, अच्छी लगनी चाहिए, व्हाइट कुर्ता मेरा वैसे भी खराब हो गया था, मेरे को पता है, अच्छा अभी चलो फिर, अब तो मैंने सारे गिफ्ट में एक ही बारी में पकड़ना है रहा फोन, यार तो खत्म कर रही है, रोना खत्म कर, ये क्योंकि मुझे डर लग रही है अब मेरे को गाली पड़ेगी और कुछ नहीं, इसलिए अब एक ही बारी में दे देती हूँ, वरना अब मैं डांट खाने वाली हूँ,
तो अभी मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, दो और तो पागल हो गई। लो अनबॉक्सिंग करो अपने गिफ्ट की। पागल हो गई, पागल नहीं होगी तू ना, मुझे पागल कर दिया है। अच्छा लगा ना ये, तुम्हें पसंद नहीं आएगी, मेरे को रिटर्न करनी है। मैंने बस तुम्हारे ये बहुत बहुत सुंदर लग रही थी ऑनलाइन, लेकिन जब ये घर आया इतना बेकार चीज आई। मैं ये शर्ट है बट पता नहीं क्या बूबू का झोला ऐसा उन्होंने भेज के दिया, बड़ा कूल सा था ये। हाँ मुझे पता है तुम्हें अच्छी लगेगी वो, तो मैं दिखा दूँ पहले लोगों को क्या था। एक्चुअली गाइस मैंने ये मंगाई थी, बड़ा सुंदर सा था वो, उसमें बड़ा कॉटन का, लेकिन जब घर आया तो इतना बेकार सा लगा। ये भी एक कुर्ता, ये भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, बट इनकेस अगर तुम्हें नहीं आया ना, यानी तुम्हारी मेरी चॉइस सेम है। मैंने इसी के लिए वो तुम्हारी नेहरू जैकेट मंगाई जिसकी तुम बात कर रहे थे अभी कि इसको कहाँ पहनूंगा मैं, बट वो हाँ कलर लाइट था लेकिन बहुत ही ज्यादा डार्क कलर। जितने मैंने रखने थे वो मैंने रख लिए, इन दोनों को रिटर्न कर दिया। वो दोनों मैं रिटर्न ही करने वाली थी, रिप्लेसमेंट भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं प्लीज प्लीज, एक दो तीन चार बहुत है, पांच बहुत है, छह सात सात होंगे, छह सात होंगे जो तुम्हें रखे। बहुत हो गया भाई, नहीं यार खुश हो, मैं खुश हूँ बट इनको रिटर्न करिए। नहीं वो तो मैं रिटर्न, वो तो मैंने सब वही बताया लोगों को कि मैं कुछ चीजें रिटर्न करूँ क्योंकि उनकी जो क्वालिटी वो अच्छी नहीं आई, तो अभी फाइनल हो गया। अब कुछ नहीं गाइस, अब आप लोग ये मत सोचना कि कुछ दूंगी मैं, इसने बच गई है मेरे से। अगर ये रात को देती है ना तो पक्का डांट खाती। मैं कैमरा खोल लेती अपने प्रोटेक्शन के लिए। चल ठीक है, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो गाइस अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम गाड़ी यहीं छोड़ के जाएंगे, पैदल निकलेंगे। मेरा ड्रेस दिखाओ जरा। हाँ ये मेरा ड्रेस है, और मेरे को इसमें अब शूज पहनने हैं क्योंकि मेरे को चैदल चलना है। कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर, 4.2 किलोमीटर, 5 ही लगा लो, 5 ही लगा लो, और उसके बाद घूमना फिरना। तो मैं सैंडल कैसे पहनूंगा, तो फिर मेरे को जूते पहनने पड़ेंगे। जूते पहन के चल, ऑटो भी अच्छी नहीं आएगी क्योंकि गाड़ी ले जाना बेवकूफी है। मैं जैसे तैसे तो यहाँ तक लेकर आया हूँ गाड़ी, खड़ी चढ़ाई, और ऊपर से अगर सामने से कोई गाड़ी आ गई तो कितना लंबा बैक करना पड़ेगा वो मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो इसलिए अभी हम पैदल जाएंगे, और हमारे कजन जो हैं वो शायद आने वाले हैं अपनी स्कूटी या बाइक लेके, तो आई थिंक उनके साथ हम ऊपर आ जाएंगे, हमें छोड़ देंगे यहाँ तक। नहीं आएंगे तो लकड़ी पकड़ के आते हुए दिखाई, ऊपर पैदल नहीं आ पाएंगे, फिर हमें एक काम करना पड़ेगा, स्कूटी हायर करनी पड़ेगी, हम स्कूटी लेकर आएंगे। देखो हमारे गेस्ट हाउस के बाहर कितना क्यूट डॉगू है जागू बाबा। मैं जैसे ही आई ना गेस्ट हाउस में, पता नहीं कहाँ से आया दौड़ता हुआ, मेरे को प्यार करने लगा। डॉगू बाबा, ए डॉगू, हाय हाय, कह रहा है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारे, ऐसे तो लोग रोज आते आते रहते हैं। किसका जैसा रैंगो हमारे घर पे भी, अरे रैंगो जैसे उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कहते रैंगो जैसी है। हाँ मैं तो कह रही हूँ उसको कोई इंटरेस्ट नहीं हो रहा हमारे से। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ऐसा होता है बड़े बड़े लोगों के साथ, ऐसा ही होता है। निकल गए गाइस अपने रूम से, देखो इस तरह से नैनीताल में भी दिखाया था मैंने, से पर्टिकुलर रास्ता है जाने के लिए जहाँ से गाड़ी भी जाती है आदमी भी जाते हैं। तो अभी देखो यहाँ को तो नहीं है भीड़, बट नीचे बहुत भीड़ कह रहा था हमारा गेस्ट हाउस वाला जो था, दिखा देंगे ना अभी। हाँ क्या हाल हो रखे, बहुत देर हो रही है क्योंकि फोटो शूट कर रहे हैं और आधा हो चुका है सूरज, मतलब एक घंटा और है कम से कम। और हम कुछ नहीं घूमे मसूरी में, मतलब हमें लिटरली हम रूम में आए हैं और रूम से भी अब नीचे आ रहे हैं, और कल को हमें यहाँ रहना भी नहीं है, तो हम जितना हो सकता है कवर कर लेंगे। आज ही के दिन हम सारा घूम लेंगे, ये मैं कसम खा के आ रहा हूँ दोस्तों। पहाड़ छू पहाड़, कोई ज्यादा कुछ है नहीं ना, एक सुनो नहीं नहीं, नहीं रुक पहाड़ छू दगड़ियों कतिरा ना जानो। बैंड बज गई है दोस्तों, मतलब ये देखो ऐसे रास्ता है, ऐसे हेमंत जा रहा है ना कूद मारते हुए बिल्कुल एकदम नीचे को, और ये यहाँ की जो लोकल एरिया है, मतलब यहाँ पर लोकल जो लोग हैं उन लोगों के घर यहाँ पर बने हुए हैं। तो अभी हम उस तरफ से आ रहे हैं, और मॉल रोड तो बहुत नीचे है भाई, बहुत नीचे, मतलब सुरंगें निकल रही हैं। ये देखो ऐसे ऐसे ना ये पतली पतली सकरे सकरे गलियां निकल रही हैं यहाँ पर, तो यार थोड़ा कंजेस्टेड तो है मसूरी, मतलब मुझे ऐसा लगा कि वैसे खुला खुला नहीं है, है ना। बाकी अभी हम जा ही रहे हैं, दौड़ ही रहे हैं नीचे, मतलब नीचे चलने में पैरों में इतना दर्द हो गया है हमारे, तो जब ऊपर आएंगे तब तो भगवान जाने हम कैसे आएंगे। वैसे आने को तो लोग आ रहे हैं बट बहुत दिक्कत हो रही है, बैठ बैठ के आना पड़ा है। नीचे आने में हमें आधा घंटा हो चुका, अभी तक नीचे नहीं पहुंचे, अभी भी शायद मेरे ख्याल से आधा रास्ता बचा हुआ है, और ऊपर भी फिर हमको आना है तो 2-3 घंटे लग जाएंगे चढ़ाई करने में, ट्रैकिंग करने में। और मेन चीज ये है कि सीढ़ियों वाला रास्ता नहीं, हमने लोकल लोगों से पूछा कि कहीं से अगर सीढ़ियों का रास्ता है जहाँ से हम निकल जाए, तो कह रहे कि नहीं मैडम यही रास्ता है जहाँ से गाड़ियाँ जा रही, तो उससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है और तो कुछ नहीं। और हमारे पतिदेव, पतिदेव
देवो के देव, कैसा लग रहा है आपको बर्थडे के दिन थोड़ा सा कसरत करते हुए? ये बोल रहा था मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। यहाँ का मसूरी की क्लॉक टावर, और इसी का जस्ट पीछे एक ये व्यू है जहाँ से आप लोग मतलब फोटो शूट वगैरह कर सकते हो। अभी तो थोड़ा अंधेरा सा हो रहा है। इस क्लॉक टावर में ऊपर जाना अलाउ होगा? नहीं, ऐसा अलाउ होता सब लोग ऊपर ही नहीं चले आते। आधी जनता वहीं खड़ी मिलती है। और उसके नीचे आप लोग जाम देख रहे हो, जगह जगह पे ऐसी गाड़ियां अटक जा रही हैं। और ये जो रोड है इतनी है, मतलब आधी बाइक है और इधर उधर। हाँ, ये तो काफी चौड़ा है, बहुत चौड़ा, डबल लेन है, ऊपर तो पहुँच सक रही है। चलो, ये जो आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं ना गाइस, ये जहाँ पे ये गाड़ी रुकी थार वाला, यहाँ का टोल है। तो अगर आपको ये मॉल रोड का रास्ता है, तो अगर आपको मॉल रोड में जाना है तो आपको यहाँ से टोल पे करना पड़ेगा। लेकिन हमारा गेस्ट हाउस वहाँ से ऊपर को कट गया, तो हम लोगों ने लकीली पे नहीं किया, क्योंकि हमारा गेस्ट हाउस ऊपर को था, सरकारी गेस्ट हाउस की तरफ को मतलब नहीं है शायद आपको टोल। लेकिन अगर इधर से आप आते हो या मॉल रोड में होटल लेते हो तो 200 रुपये है कार का टोल, हमने पता किया था। बाकी तो अभी हम लोग जाए, वहाँ शॉपिंग करा रहे हैं मेरे को। ये एक मॉल रोड है, इतनी गजब का जाम हो रहा है गाइस, इतना गजब का। स्कूटी स्कूटी के हाँ, पैदल एक भी चला, नई गाड़ी लेकर आ रहा है, रगड़ गया अभी, उसे नंबर प्लेट भी नहीं लगी है। अच्छा, हम आपको ये दिखाने आए थे, ये यहाँ का व्यू पॉइंट है, जहाँ पर पॉइंट बनाया है वहाँ तो बहुत भीड़ है, वहाँ तो भीड़ बकरियों की तरह सब लोग खड़े। तो हम नीचे ये स्टेयर्स है, नीचे स्टेयर्स है, यहाँ पर आ गए। और ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ना, अभी दिखाई तो खैर कुछ भी नहीं दे रहा, धुंध, बहुत पॉल्यूशन है यहाँ पर भी। तो वो जो सारा एरिया है पूरा देहरादून है, प्लेन्स का एरिया। और ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा ये है मसूरी, यहाँ पे जो पूरी पहाड़ी दिखाई दे रही है। तो रात को तो बहुत अच्छा व्यू आता है, थोड़ा सा मेरे को भी दिखा दो। बिल्कुल, यू आर द मेन पर्सन। क्यों नहीं, तो रात को तो बहुत अच्छा व्यू आता है। लेकिन अभी क्या है कि एक तो जाम, इधर इधर चलने की जगह तो लोगों को, और ऊपर से यहाँ वाली पॉल्यूशन है भाई, मतलब कम है बहुत, लेकिन है पॉल्यूशन, क्योंकि लोगों के इसमें से इतना धुआं निकल रहा है, क्योंकि ऑयल जल रहा है ना, बहुत धुआं निकल रहा है। तो आप लोग भी दर्शन कर लो, और वहाँ कुछ बड़ा सा है देहरादून के दर्शन, वो सब दे देता हूँ लोगों को थोड़ा। वो क्या चीज़ होगा, छोटे छोटे घर दिखेंगे? नहीं नहीं, वो क्या चीज़ होगा, देखो वो बहुत बड़ा है, वो छोटी में। अच्छा, वो छोटी पे, वो सामने यूनिवर्सिटी वगैरह कुछ तो है यार उधर, बहुत बड़ा है वो चीज़, कुछ तो है। पता नहीं क्या, कोई लोकली बता सकता है यहाँ का वो क्या चीज है? हाल तो बहुत बुरे हैं, बहुत ज्यादा जाम है। एक तो आज वीकेंड है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा है, मतलब चलने के लिए लॉन्ग वीकेंड है ना, लोग बड़ी मुश्किल से 4-5 दिन की ऐसी बैक टू बैक छुट्टियां मिलती हैं, तो के लिए भी ऊपर नीचे ऊपर नीचे हर कोई अपना अपना मतलब यहाँ को, जिसको पास पड़ रहा है वो हिल स्टेशन निकल चुके हैं। तो ठीक है यार, एंजॉय कर रहे हैं सब, हम भी कर रहे हैं, है ना। अब जूतों से मैं चप्पलों में आ गई हूँ, चप्पल पैक करा के लाई थी, और चप्पल पैक मॉल रोड पहुंची, जूते उतरे, और मैंने बोला हेमंत पीछे पड़ गया, कह रहा कब पहनेंगे जूते, नहीं चप्पल कब पहनेंगे, चप्पल कब पहनेंगे। मैंने कहा जिसको पहने उसको तो कोई शौक नहीं, पति को ज्यादा शौक हो रहा है, यार पहन तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, वो जूते वाला कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लग रहा था ना उसमें। तो एंजॉय करो दोस्तों, हम भी हमारी तरह गलियों में। गाइस, हम लोग 2 घंटे से करीब हम लोग मॉल रोड से निकले, जब मैंने लास्ट व्लॉग बनाया था उसके बाद से हम लोग करीब आ गए होंगे 4 किलोमीटर नीचे, पैदल पैदल उतर रहे हैं मतलब देहरादून के रोड पे। और इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, गाड़ियाँ ऊपर वाली जो हैं वो पूरी अटकी पड़ी हैं। और नेहा और हेमू जो हेमंत के कज़िन हैं, जिनके साथ में कल उनके घर पे थी, वो लोग आ रहे थे, वो लोग दिन में से निकले हुए, और वो लोग पता नहीं कहाँ अटके पड़े हुए हैं, और हम उनके लेने के नीचे को जा रहे हैं, वो ऊपर नहीं आ पा रहे, हम नीचे नहीं आ पा रहे। इस चक्कर में हम कहीं नहीं घूमे आज गाइस, हमने बस थोड़ा सा एक चक्कर मारा मॉल रोड का, और उसके बाद हमें फिर कि थोड़ा सा वो क्या क्या नाम था उसका, जगह का नाम क्या था जहाँ तुम कह रहे थे वो जाने के लिए, जॉर्ज एवरेस्ट, वहाँ पर घूम लेंगे करके, वहाँ भी नहीं हुआ, और एक कोई फॉल टाइप का है यहाँ पर, वहाँ पर भी नहीं घूम पाए हम। और अभी हम जा रहे हैं उनको लेने के लिए, शायद कोई VIP आ रहा है, गाड़ी लेकर आना तो ऐसे होता है, तो गाड़ी लेके आओ, तो गाड़ी खड़ी कर रखी है, और अब कहाँ जाए, इतना ज्यादा रश है कि कहीं तुम जा ही नहीं सकते यार। यहाँ से आप देख लो बस, ये गाड़ी की लाइन आपको दिखा देती हूँ, ये देखो ये गाड़ी कितने किलोमीटरों की लाइन है, ये कोई VIP भी आ रहा है, नीचे तक नजर जा रही है उतने नीचे तक लाइन है। तुम लोगों को इतना पीटू की 4 घंटे से नॉन स्टॉप घूम रही हूँ पैदल पैदल। हेलो, खोल अब, और फोन भी नहीं उठा रहा, ये तो फोन भी नहीं उठा रहा, वो हंस रही है, इसको भी जाम दिख नहीं रहा ना, हंस रही है। चलो ऊपर चलते, पास चलेगा, बता 4 घंटे से यहाँ पर रोडों में घूम रहे हैं। चलो चलो, अभी पता चलेगा भाभी। और तू मेरा फोन भी उठा रहा था पहले, बता, मुंडा ऐसा बना हुआ है, फोन नहीं उठा रहा, ऊपर तो मत लेना। चलो बाय बाय हेमू, बाय बाय नेहा, बाय, अरे बाय तो कर हेमू, गुस्सा दे उसको। हम लोग जा रहे हैं वापस, इनकी गाड़ी आ नहीं पा रही,
और होटल होटल नहीं है यहाँ पर भाई, रात को रहने का बहुत दिक्कत हो जाएगा इन लोगों को। और जहाँ जाना था हम कहीं नहीं गए, आजकल हमारा पूरा वेस्ट गया है। तब तो हम फोटो जाते हैं पहले। गाइस इसकी तो बैंड बज गई है, चक्कर आ गए दोस्तों। आप लोगों को हमने ब्लॉग में दिखाया नहीं, अगर आप लोग चढ़ाई देख लेते ना, एक होती है यूं चढ़ाई, एक होती है मीडियम चढ़ाई, एक होती है यूं, जिसमें सीधे यूं भगवान जी के पास वाला जो रास्ता होता है ना, ऐसा वाला रास्ता, दो चार एक दो किलोमीटर और ऊपर होता तो हम लोग निकल लेते ऊपर ही। हमने बताया कितना किलोमीटर आज चले हैं, हमें बताना ब्लॉग में। ब्लॉग में बताना क्या है, तू तब तक अपनी बातें बता, मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा लोगों को। मैं आपको बता नहीं सकती, हेमंत का बर्थडे वाला ये देखो, याद रखूंगी मैं। ये देखो कितना कितना दिखा रहे, ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़े हैं हम। और मेरे पैर ऐसे कर रहे हैं, ऐसे 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 कर रहे हैं, ब्लॉग बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई। रास्ता सुनसान हो गया था जहाँ पर मेरा गेस्ट हाउस है, ये है मसूरी के एकदम पीक में, पीक बोले तो मतलब ऊपर बिल्कुल कुछ है ही नहीं है पीछे, इसके ऊपर पहाड़ वहाड़। वहां तक आने तक जो हालत खराब हुई है दोस्तों, ऐसा बर्थडे बना है हेमंत का, ऐसा हेमंत का तो क्या बना, मेरा बर्थडे बन गया ये। कहाँ सोचा था कि रात को कहीं कैफे में बैठेंगे या फिर कुछ यहाँ करूंगे ऑर्गेनाइज, कुछ नहीं हुआ, खाली बर्थडे का गिफ्ट दे दिए मोटे के। और अभी तो खाना गर्म करने की हिम्मत भी नहीं, खाना हम लोग ले आए थे क्योंकि हेमंत ने कहा कि रास्ता सुनसान हो गया, कहीं तो भी दिक्कत होगी, बाघ वाघ की डर लगेगी। अब मेरे को इतनी हिम्मत नहीं कि मैं खाना गर्म करके खाऊं, मैं बोला ऐसा हो रहा है कि बस मैं ऐसे सो जाऊं बस दोस्तों। इसी के साथ आप लोगों को बाय बाय कर देते हैं, मैं मुंह हाथ धोती हूं और उसके बाद हम सो जाएंगे, हम सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे। यहाँ बहुत ज्यादा जाम रहता है भाई, मतलब हद पार जाम रहता है, कोई मतलब किलोमीटरों के हिसाब से तो हम सुबह फंसना नहीं चाहते। तो मैं और हेमंत हमने डिसाइड किया कि 6 या 6:30 बजे तक हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से, कोई बात नहीं। वैसे हमने आज कुछ घूमा नहीं, हमारे बहुत सारे प्लान थे, हमने सिर्फ होटल में एंट्री मारी, होटल से मॉल रोड एंट्री मारी और वहीं जाम में ही फंसे रह गए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर हम घर आए हैं अब थक हार के, और वैसे अगर गाड़ी लेके जाते तो हम अभी भी नहीं पहुंच पाते। हाँ फिर तो फिर बात ही क्या है, गाड़ी के इतनी बदबू, पूरा मसूरी में नाक सर में दर्द, इंजन ऑयल की जल जल के सारी गाड़ियों में से इतना सर दर्द हो गया। तो अभी फिलहाल आज फिर तो खत्म करते हैं व्लॉग, बहुत बड़ा भी हो गया, खींच गया बहुत ज्यादा। कल को मिलेंगे सुबह आप लोगों को फ्रेश होके, थोड़ा सा मुंह तो लगना चाहिए ना ब्लॉगर जैसे, ऐसा लग रहा है कहाँ से मारपीट के भेजा है हमको, कोई बोलेगा हम लोग ट्रैवल करने आए, इतना हालत खराब हो गई। फिलहाल आज के लिए बाय बाय दोस्तों, आप सो जाते हैं, बाय नाइट गाइस, बाय दोस्तों। हेमंत को एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, ओके बाय बाय।